हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हिंदी रीडर के अंदर गद्य भाग, जिसका दूसरा पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में हमने देखा था कि इनका जन्म 9 सितंबर 1850 और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हो गई थी, यानी कि इनका जो जीवन काल है वह 35 वर्ष का ही है। इसका हमने एक भाग देखा था जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक स्वप्न देखते हैं कि वह अपना एक विद्यालय बनाते हैं। वह विद्यालय इसलिए बनाना चाह रहे थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम इस संसार में रहे, और उनके मित्रों ने मिलकर इसमें उनका सहयोग दिया और उन्होंने एक बहुत ही उत्तम विद्यालय का निर्माण किया। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि वह विद्यालय निर्माण के बाद अपने मित्रों से क्या बात कर रहे हैं। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन और से आए इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुई। नहीं, मैं दो हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था। नहीं, मैं दो हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर्म कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर ही केवल मुछे ही मुछे थी, कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश की डंडे अंकुर फिर हरे किए हैं। हे सज्जन शुभचिंत को, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण काम धेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं है कि आपने इस जन्म में न देखी न सुनी हो। होनहार बलवान हैं, नहीं तो काली काज में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। देखिए, हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृगशीर स्वान के मुख से शशि के धोखे भद्रिकाश्रम की एक कांद्रा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती हैं। इनमें संदेह नहीं है कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों में इनकी बड़ी दुर्दशा की है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में ही ये पानी फेर देंगे। इनके भिन्न पंडित प्राणांत प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण हैं, तब तक ना किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी ना बन पड़ेगी। यह महावेद के नाम से संसार में विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था, इस हेतु आप आतुर ना होजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली। उनमें से ताम्रिक
मकरायल प्रसिद्ध और प्रशंसनीय हैं। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आँखों से भली भांति बैठ गए हैं। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ण के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देती, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपकी अमूल्य समय की बाधा हुई, परंतु रहे पंडित सीलदारावल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता ना करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधानन बांध देंगे, नहीं यह नियत ही कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो सभी को वे सब मिलकर नाश लिया करें, यानी आपस में बांट लिया करें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अब हम मिलेंगे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। Till then, thank you so much. Stay safe. Thank you, everyone.